बाद में देखिए किस तरह से धर्मशालाओं का दुरुपयोग किया गया श्याम प्रेमियों के द्वारा। तो ऐसे भी श्याम प्रेमी होते हैं जो अपने आप को श्याम प्रेमी बोलते हैं परंतु वो श्याम प्रेमी नहीं होते हैं और दरबार जाते हैं, वो दरबार में इस तरह के काम करते हैं। अगर आपको इस तरह के लोग दरबार में नजर आए या इस तरह की हरकतें करते नजर आए, आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आप सभी बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं, हम सभी बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं, तो दरबार जाने से पहले अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, तभी तो आप बाबा श्याम के दरबार जा सकते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। परंतु हम में से कई श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते परंतु वो बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं। इनमें से कई श्याम प्रेमी ऐसे होते हैं जो बड़ी हिम्मत के साथ बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और अपना शीश नवाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, जब बाबा श्याम का मंदिर विस्तार हो रहा है, बाबा श्याम के मंदिर में 16 लाइनों की व्यवस्था की जा रही है, परंतु जो पैरों से अपंग होते हैं या चल फिर नहीं सकते किसी कारणवश से, तो बाबा श्याम का दीदार करना चाहते हैं, तो उन श्याम प्रेमियों को जो दर्शन होंगे उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है। आप मंदिर कार्यालय में जब आप बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाए तो मंदिर कमेटी की कार्यालय में जाके आपको व्हील चेयर वहाँ से मिल जाता है, आप व्हील चेयर वगैरह ले सकते हैं, रसीद कटवानी पड़ती है। परंतु ये ध्यान रखें कि जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं उस दिन आप एकादशी या द्वादशी या कोई ऐसा त्यौहार नहीं होना चाहिए, जैसे कि छुट्टी वाला दिन नहीं होना चाहिए जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपके परिवार जनों में से किसी का भी ऐसा हो सकता है कि पैरों से तकलीफ हो या शारीरिक अपंगता हो, पर आप उनको दर्शन कराना चाहते हो बाबा श्याम के, तो आप जा सकते हैं और वहां जाके मंदिर कमेटी वालों से आप रसीद प्राप्त करके व्हील चेयर ले सकते हैं। इसी के बारे में आपको बता दूं, हमने चुलकाना धाम के पुजारी जी महाराज से बात की कि वहां पे क्या व्हील चेयर की व्यवस्था है, अगर कैसे जाते हैं चुलकाना धाम, तो वहाँ आसपास क्या धर्मशालाएं वगैरह हैं। तो आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी चुलकाना धाम गए होंगे, तो बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन करके अपने साधन से वापस आ जाते हैं। तो चुलकाना धाम में जो यात्री जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके पास खुद का साधन होता है और बड़े आराम से वो जाके बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद और वापस लौट सकते हैं। परंतु जो श्याम प्रेमी वहाँ रह जाते हैं उनको धर्मशालाएं वगैरह लेनी पड़ती है, उसकी क्या कीमत है, फ्री है या उसका कोई कीमत लगता है, इसके बारे में पूरी बात वहाँ के पुजारी जी महाराज ने हमें बताई फोन के ऊपर, वो मैं रिकॉर्डिंग ऑडियो आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पुजारी जी महाराज ने श्याम प्रेमियों का कड़वा सच बताया। जब मंदिर प्रशासन द्वारा धर्मशाला दिया गया था श्याम प्रेमियों को, तो कुछ श्याम प्रेमी ऐसे थे जिनका कड़वा सच उन्होंने बताया। वो कड़वा सच क्या है अब मैं आपको आगे वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको ये पता चल सके कि कभी भी इन फ्यूचर आप चुलकाना धाम मंदिर जाओगे तो वहाँ पे मंदिर की तरफ से रहने की क्या व्यवस्था है और वहाँ क्या आसपास धर्मशालाएं हैं या वहाँ से दूर है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। चलिए इस वीडियो को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बाकी की बातें करता हूँ। चलिए इस वीडियो को सुनते हैं पूरा। हेलो हेलो जी जी, देवेंद्र जी बोल रहे ना? जी बोल रहे हैं। हाँ जी देवेंद्र जी, मैं भजन मंत्र भजन मंत्र शक्ति चैनल से बोल रहा हूँ, मैं सोनू जी बोल रहा हूँ। आपसे जी आपसे कुछ जानकारी चाहिए था, इसके लिए फोन किया आपको। जी भैया बोलो। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या है, मेरे पास किसी श्याम प्रेमी ने ये पूछा है कि वो उसके पापा मतलब काफी बुजुर्ग हैं और वो चुलकाना धाम आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, उनके पैरों में लकवा वगैरह है कुछ, तो वहाँ दर्शन करना चाहते हैं, तो उनका ये कहना है कि वहाँ व्हील चेयर वगैरह की सुविधा हो जाएगी या कोई मतलब हो जाएगी भैया, लेकिन वो एकादशी द्वादशी को छोड़ के। अच्छा, एकादशी द्वादशी को छोड़ के बाकी दिन वो कभी भी आए तो उस चीज की सुविधा हो जाएगी। हाँ, एकादशी द्वादशी संडे, ये तीन दिन छोड़ के। जी जी, और दिन आपको जो व्हील चेयर का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे मान लीजिए वो चुलकाना धाम आते हैं, मान लीजिए दिल्ली से उनको चुलकाना धाम आना है, तो दिल्ली से चुलकाना धाम आने के लिए क्या मतलब रहेगा व्यवस्था, कहाँ उतरना होगा उनको, उसकी थोड़ी सी संभाल का उतरो भैया। अच्छा अच्छा, बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन से वहाँ से 3 किलोमीटर चुलकाना का। अच्छा अच्छा, तो वहाँ मतलब पहुँचने के बाद फिर मतलब उनको संपर्क करना होगा, वो कार्यालय में आप ही रहेंगे वहाँ पे?
कार्यालय में तो वहां मंदिर समिति है ना, वो काम करती है, वो मंदिर अच्छा समिति के जो लोग वहाँ कमेटी वाले जो हैं वहां जो बैठते हैं ऑफिस जो जो वहां रसीद काटता लड़का उसको बोल दो वो व्हील चेयर दे दो भैया, उनको ऐसे ऐसी गाड़ी सामने गुरु जी उनको लेकर खड़ा, वो दे देगा वहां से। अच्छा, वो वहां से उन व्हील चेयर दे देगा, वहां से लेके उनको व्हील चेयर में वो लेके आराम से आके दर्शन करा सकते हैं ना। और जी व्यवस्था तो आपने बताई थी कि जैसे कि व्यवस्था रहने वगैरह की व्यवस्था वहां पे हो गई अभी फ्री ऑफ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ थे? अच्छा नहीं, आपका एक वो नया वो बना ना धर्मशाला एक वहां पे चुलकाना धाम में। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ है? अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है मतलब वो। नहीं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भैया। अच्छा, मतलब जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तब कुछ समय के लिए शायद था, मुझे ऐसा लगा उस तो। सब के लिए कर दिया गया था लेकिन लोगों ने उसको नाजायज प्रयोग करा, पंखे अच्छा तोड़ अच्छा दिए, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वही शीशे थे ये चीज। हाँ, शीशे वगैरह तोड़ दिए गए अगर फ्री जो। रहने से ये चीजें दिक्कतें आ जाती हैं काफी सारी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि फिर उसको ना मुंह में जो गुटखा वगैरह लेते हैं ना लोगों ने कॉर्नर में वो पिचकारी लगाई, जी। तो उसको ऐसा कर दिया कि सरकारी से भी बेहतर कर दिया, अच्छा, मतलब बिल्कुल गंदा कर दिया उसको बिल्कुल धर्मशाला। गंदा कर दिया, बिल्कुल क्लीन, नेट क्लीन कमरे भी हुए थे ना। बताइए, बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं और जिनके लिए ये सुविधा दी गई है वहीं रह के वो इतना गंदा करते हैं वो लोग, वो श्याम प्रेमी कहलाने लायक तो है एक ही नहीं दो वो। बच्चे ने आईडी ली, जी ड्रिंक वगैरह करी, जी मतलब बीड़ी पीनी, सिगरेट पीनी सब थी, नहीं पता लोग क्या क्या कर रहे थे। अब तो पूरी सिक्योरिटी के साथ बीड़ी सिगरेट अपनी बाहर भगा दिया, कोई काम जी नहीं बीड़ी सिगरेट दारू का, यहाँ पे है अच्छा, वो तो अपना बाहर जा, यहाँ कोई कमरा नहीं है खाली। अच्छा, तो मतलब अभी तो पूरी 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 सुरक्षा कर दी अभी उसकी। उसकी पूरी सुरक्षा कर दी गई है, ऊपर जी डबल बेड भी है, पानी गर्म पानी भी है, गीजर भी है, जी जी कंबल वम्बल सब है उसमें, अच्छा अच्छा नीचे हॉल का गद्दे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वो जी हमारी जी निगरानी में रहेगा कि अच्छा अच्छा जो भी एक्टिविटी करेगा बंदा देख तो रहा है, नीचे कमरे में बंद होने के बाद क्या दिखेगा भाई। हाँ हाँ सही बात है, वो कैसे पता हाँ चलेगा। उसके ऊपर के लिए 1,000 रुपये रूम चार्ज कर दिया है। अच्छा, हाँ मतलब इसके हाँ 1,000 रुपए का रूम मिलेगा ये कह रहे हैं आप वहां पे। ये चार्ज वो और मेंटेनेंस चार्ज अगर का। अगर कोई सीनियर सिटीजन वगैरह है या मान लीजिए अपंग टाइप से है, उनके लिए कोई रियायत है उस चार्ज वगैरह में? नहीं वो नीचे वो ऑल दे तो रखा है ना उनके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे तो दिया ऑल। अच्छा, नीचे वाला हॉल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें वो हॉल में रह सकते हैं, है ना, और उसमें हॉल में अलग उसमें अलग उसमें बेड लगी हुई है अलग अलग सबकी हॉल में। हाँ वो गद्दा लगा है उसमें अपना अच्छा, जिसको उसका। पर्सनल कमरा चाहिए मतलब कमरा चाहिए पर्सनल, तो वो पेमेंट करके रुक सकता है, और जिसको हॉल हाँ में चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉल में रुक सकता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो निगरानी में रहेंगे सब सामने। जी वो निगरानी में, उससे क्या है मैं बताता हूँ, उससे 1,000 रुपये से, उस 1,000 रुपये से पूरी धर्मशाला का मेंटेनेंस खर्च निकलता, समझना बात को हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। भाई। रात को भी बंदा रहता है, दिन में भी रहता है, साफ सफाई वाला भी, लाइट का चार्ज भी है, बिजली का चार्ज भी है, मेंटेनेंस चार्ज भी है, जी रसोई जी चार्ज भी है, और भी बहुत बहुत खर्चे खर्च होते हैं भाई। हाँ हाँ बहुत सारे खर्चे हैं, वो सब कहाँ से आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप इतना बड़ा धर्मशाला बना रहे हो और इतने सारे श्याम भक्त हैं, सब आएंगे ठहरेंगे। हाँ तो इसीलिए हाँ कई होटल पे जाते हैं 1,500 से कम कोई रूम नहीं मिलता कोई साफ सुथरा अच्छा। अच्छा, वहां पे आपके जो चुलकाना धाम और जो होटल वगैरह वो मिनिमम 1,500 रुपये के हैं, पंद्रह उससे ज्यादा का। सौ 2,000 रुपये चार्ज है जो समाल का जाते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, 5 किलोमीटर दूर पे है वो भी। हाँ और वो भी 1,500 2,000 रुपये उनको देंगे, उनकी जेब में जाएंगे, ये 1,000 रुपये संस्था में आएंगे तो अच्छा अच्छा धर्मशाला में लगेंगे, जिससे डेवलपमेंट होगा, कार्य होगा और भक्तों को सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल मंदिर के नजदीक ही है ये, है ना, बिल्कुल मंदिर के मन नजदीक है, 500 मीटर बस ओनली। 500 मीटर पे है, और उसके आसपास और कोई होटल नहीं है मतलब ये कह रहे हो नहीं आप धर्मशाला। कोई नहीं है और कोई नहीं, पूरे गांव में ही नहीं है कोई और भी अच्छा, रुकने पूरे व्यवस्था पूरे उसके। गांव में ही नहीं है वो, मतलब वो कमेटी वालों ने ही बनवाया ये धर्मशाला, है ना। नहीं कमेटी वालों ने नहीं बनाया, इसमें कमेटी का कोई रोल नहीं है, अच्छा मंदिर अच्छा समिति का, अच्छा ठीक है अच्छा ना। ये अच्छा पुजारी परिवार ने अपना, हमने सहयोग से, अपनी ये आपसी सहयोग सहयोग। से और सब जी भक्तों के सहयोग से जी जी उसने व्यवस्था करी, मंदिर का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया सुविधा है। अब देखिए, इतनी अच्छी सुविधा दी है और आप लोगों ने इतनी सुविधा पहले दी थी, उसका गलत फायदा लोगों ने उठाया, जिसके कारण से ये निर्णय लिया गया। तो चलिए, ये बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है जो आप लोगों ने मंदिर के पास में ही वो धर्मशाला बना दिया।
नहीं तो 5 किलोमीटर दूर लोगों को जाके स्टे करना पड़ता है ना, फिर वहां से यहाँ आते, और उसमें भी ज्यादा पेमेंट करना होता, 2,500-3,000 इस तरह से, है बिल्कुल बिल्कुल ना? बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा तो उसमें कितने कमरे ऐसे हैं आपके हिसाब से पुजारी जी? उसमें भैया 7-8 कमरे हैं दूसरा। अच्छा, 7-8 कमरे हैं। तो मतलब मान लीजिए कोई भक्त तो बहुत सारे हैं, तो मान लीजिए किसी को अगर चाहिए हुआ तो वो मेरे ख्याल से बुक तो रहता ही होगा हर वक्त, फिर कमरा मिले ना मिले फिर वो कैसे पता चलेगा? भैया वो अपना संपर्क करेगा, जब वो आएगा तो भी अच्छा खाली अच्छा होगा ठीक है, नहीं तो कमाल का जाओगे, ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा 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 बाकी नीचे हॉल तो काफी बड़ा होगा, उसमें बेड काफी सारे होंगे उसमें तो? हॉल में बेड नहीं है भैया, हॉल में गद्दा लग रहे हैं, गद्दे पे अपना लेट सकता है। हाँ अच्छा, नीचे गद्दा लग रहा है, गद्दे पे लेट सकता है वो? हाँ अच्छा 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 चलिए ये बहुत बढ़िया है। चलिए इतना है, काफी है ये चीजें। और जी सर। चलिए बढ़िया। और चुलकाना धाम की कोई आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ अपडेट लोगों को मतलब इसके बारे में? चुलकाना में बाबा ने अपने शीश का दान दिया, यही वो जी पावन भूमि है जो भगवान श्री कृष्ण ने वीर बरबरी की परीक्षा दी थी, जी उनकी समाधि भी तो वहीं पे है, जो मतलब उनकी जो जो बाबा का जो शीश के नीचे का धड़ था उस चुलकाना धाम में विराजित कर दिया भगवान ने, पाताल जी लोक में लुप्त हो गया था, जहाँ पर आज धड़ की पूजा होती है और खाटू में बाबा के शीश की पूजा होती है। जी जी ये चुलकाना धाम को पहले चुनकट वाले के नाम से जाना जाता चुनकट था। वाले बाबा जी। जी हाँ हाँ आज बाबा लखीसर के नाम से प्रसिद्ध जी जी है, और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर बाबा लखीसर चुनकट ऋषि जी महाराज का बावड़ा जी अच्छा ही भव्य दरबार लगा है। अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया जानकारी दिया पुजारी जी आपने। देवेंद्र जी जी बहुत सर बहुत धन्यवाद आपका। तो कोई बात नहीं, ये चलिए, कृष्ण जय श्री भगवान श्याम का जी, कृपा। जय जय श्री श्री श्याम। कृष्ण। तो अभी जो आपने ऑडियो क्लिप सुनी है वो चुलकाना धाम के पुजारी जी महाराज श्री देवेंद्र जी पुजारी जी की आवाज थी जो जो आपने अभी इस चैनल सुनी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो तो आपको रविवार, एकादशी या कोई भी छुट्टी वाले दिन, आपको जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एकादशी, द्वादशी या रविवार या छुट्टी वाले दिन आपको मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह की असुविधा हो सकती है, मतलब काफी भीड़ होता है इन दिनों में, जिसमें बाबा श्याम के दरबार में जाने वालों लोगों को व्हील चेयर वगैरह की असुविधा हो सकती है। और श्याम प्रेमियों का जो कड़वा सच इन्होंने बताया है कि श्याम प्रेमी पहले वो उन्होंने होटल फ्री कर रखा था, बाद में देखिए किस तरह से वो धर्मशालाओं का दुरुपयोग किया गया श्याम प्रेमियों के द्वारा। तो ऐसे भी श्याम प्रेमी होते हैं जो अपने आप को श्याम प्रेमी बोलते हैं परंतु वो श्याम प्रेमी नहीं होते हैं और दरबार जाते हैं, वो दरबार में इस तरह के काम करते हैं। अगर आपको इस तरह के लोग दरबार में नजर आए या इस तरह की हरकतें करते नजर आए तो जरूर उन्हें समझाएं, उनसे बात करें, उनको ज्ञान दीजिए कि बाबा श्याम अगर महिमा करते हैं तो बाबा श्याम की कोप का कितना बड़ा परिणाम उनको मिल सकता है, वो किस रूप में मिल सकता है, ये परिणाम बताना मुश्किल ही हो है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल के बारे में और भी लोगों को बताइए, और भी श्याम प्रेमियों को बताइए कि ऐसा एक चैनल है जिसपे ये सारी बातें बताई जाती हैं, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें बताई जाती है। अगर आप बाबा श्याम के बारे में बताएंगे और बाबा श्याम को इस चैनल के बारे में बताएंगे तो बाबा श्याम की आपके ऊपर अति कृपा होगी। और इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। जय श्री श्याम।